हेलो फ्रेंड, मैं मनीष सोलंकी स्वागत करता हूं सोलंकी कंप्यूटर सेंटर में। आज का वीडियो डेस्कटॉप स्क्रीन के बारे में जो फुली इंट्रोडक्शन दिया जाएगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने अगर हमारी पहली वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक दिया हुआ है उस पर क्लिक करके हमारी पहली वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आइए चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ और हम देखते हैं फुली इंट्रोडक्शन स्क्रीन के बारे में। आज का पहला टॉपिक डेस्कटॉप पर आइकन अगर आपको नज़र नहीं आते हैं तो उनको किस तरीके से आप ला सकते हैं। आप सबसे पहले डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर पर्सनलाइज ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद सिस्टम की सेटिंग ओपन नज़र आएगी। यहाँ लेफ्ट कॉर्नर में आपको थीम का ऑप्शन मिलेगा और फिर राइट कॉर्नर में आपको डेस्कटॉप आइकन सेटिंग। यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे पास डेस्कटॉप आइकन नज़र आ रहे हैं। इन पर आप चेक बॉक्स टिक लगाएंगे और टिक लगाने के बाद यहाँ पर अप्लाई देन ओके करेंगे। उसके बाद आप डेस्कटॉप स्क्रीन पर चेक करेंगे कि हमारे डेस्कटॉप आइकन आ चुके हैं। तो हमने ये सीख लिया कि डेस्कटॉप पर आइकन किस तरीके से हम ला सकते हैं। ये कब नहीं आते, ये कब आते हैं, मैं आपको ये जानकारी दे देता हूँ। जब भी आप सिस्टम को फॉर्मेट कराएंगे, इंस्टॉल कराते हैं, तो यहाँ पर आपको आइकन नज़र नहीं आती, सिर्फ ओनली आपको रिसाइकल में नज़र आएगा। अगर आपको ये बाकी फोल्डर नज़र नहीं आते हैं तो मैंने आपको ये सेटिंग बता दी है, इस तरीके से इन फोल्डरों को लेके आ सकते हैं। नेक्स्ट, यानी कि हम जब भी सिस्टम पर बेसिक कंप्यूटर सीखते हैं तो स्टूडेंटों को अधिकतर फोल्डर बनाना, डिलीट करना और वापस लाना नहीं आता है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा यही, तो चलिए सबसे पहले हम फोल्डर किस तरीके से बनाते हैं। यहाँ पर डेस्कटॉप पर ही आप राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको एक न्यू ऑप्शन के सामने फोल्डर दिखाई देगा। इस फोल्डर पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि फोल्डर हमारा डेस्कटॉप पर आ चुका है। तो कितना ईजी हमारा फोल्डर बनाना। यहाँ पर अगर नाम चेंज करना चाहें किसी भी फाइल का, तो जैसे मैंने यहाँ पर नाम लिखा सोहन, इसके बाद वापस आप इसमें रीनेम करना चाहते हैं तो उस पर राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पर रीनेम ऑप्शन दिखाई देगा। सोहन की जगह आप किसी भी स्टूडेंट का नाम या अपना नाम मोहन डाल सकते हैं। तो आपने देखा कि किस तरीके से हम फोल्डर को बना सकते हैं और रीनेम कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं, यानी कि जब भी हम किसी फोल्डर को डिलीट कर देते हैं गलती से, अगर डिलीट होता है तो उसको हम वापस कैसे ला सकते हैं। इसी पर हम राइट क्लिक करके आपको दिखाते हैं कि ये हमने डिलीट कर दी। अगर आपका पर्सनल डाटा था और गलती से डिलीट हो जाए तो आप रिसाइकल बिन के अंदर जाएंगे और यहाँ पर इसको ओपन करने के बाद आपको वही फोल्डर नज़र आएगा जो आपने डिलीट किया था। इसको वापस लाने के लिए राइट क्लिक करेंगे माउस से फोल्डर के ऊपर और यहाँ रीस्टोर ऑप्शन मिलेगा। जैसे ही आप इसे लेफ्ट क्लिक करेंगे, ये पुनः वापस उसी स्थान पर पहुँच जाएगा जहाँ से आपने ये डिलीट किया। तो आपने देखा इस तरीके से हमने डिलीट किया और उसको हम वापस लेके आ सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। अधिकतर मेरे पास क्वेश्चन करते हैं, सर हम नया सिस्टम यानी कि या ओल्ड सिस्टम परचेज करना चाहते हैं तो सिस्टम के अंदर रैम, हार्ड डिस्क, प्रोसेसर किस तरीके से चेक करें। तो वही आज हम बताएंगे कि आप किस तरीके से किसी भी सिस्टम को परचेज करने से पहले उसकी कॉन्फ़िगरेशन चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आपको दिस पीसी नज़र आएगा और दिस पीसी पर आप राइट क्लिक कर प्रॉपर्टीज में चले जाएं, सेटिंग ओपन होगी और यहाँ पर आपको सिंपल ये डिवाइस स्पेसिफिकेशन नज़र आएगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं इसका प्रोसेसर कौन सा है, ये आपको नज़र आ रहा है। इसमें जो भी सिस्टम में प्रोसेसर होगा वो आपको मिल जाएगा। सिस्टम के अंदर कितनी रैम है ये आपको नज़र आएगी। सिस्टम टाइप 32 बिट यानी 64 बिट किस तरीके से है ये आगे मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, 32 बिट और 64 बिट क्या होता है। नीचे आप चेक करेंगे एडिशन विंडो कि सिस्टम में आपकी कौन सी विंडो इंस्टॉल है, वर्जन कौन सा है, कब इसको इंस्टॉल किया गया था और विंडो का वर्जन कौन सा है यानी कि बिल्ड कौन सा। इस तरीके से आपने जाना कि हम किसी भी सिस्टम को परचेज करने से पहले हम उसकी कॉन्फ़िगरेशन चेक कर लेंगे, इसके अंदर रैम, प्रोसेसर, सिस्टम, विंडो कौन सी है। तो आपने सीखा कि
किसी भी सिस्टम को परचेज करने से पहले हम खुद जानकारी कर सकते हैं। नेक्स्ट, स्टूडेंट के माइंड में ये आता है कि सर हमने सिस्टम को फॉर्मेट कराया और हमारा डाटा डिलीट क्यों हो गया। तो आज हम बताएंगे कि डाटा डिलीट क्यों हो गया। देखिए, जब भी आप सिस्टम को फॉर्मेट कराते हैं और गलतियां अधिकतर ये करते हैं, अधिकतर न्यू जब स्टूडेंट सीखता है यानी कि सिस्टम को खरीद के लेके आता है, तो वो डाटा को या तो डेस्कटॉप स्क्रीन पर डाल देता है, या आपने देखा होगा डॉक्यूमेंट में यहाँ पर फाइलों को सेव कर देता है, या उसके सिस्टम में ये ड्राइव नज़र नहीं आती है, लोकल डिस्क ई डी, ओनली उसके सिस्टम में सी ड्राइव नज़र आती है। तो गलती से भी एक ड्राइव ना बनाएं। विंडो डलवाते समय आप उनसे कह सकते हैं सर ड्राइव अलग से और बनाते, जिससे कि हमारा पर्सनल डाटा यानी कि कोई भी हम उसमें सेव कर सकते हैं। अब डिलीट क्यों हो जाता है, यानी कि जब भी आप डेस्कटॉप पर उसको सेव करेंगे या लोकल डिस्क में इसको सेव करेंगे, तो फॉर्मेट करते समय वो डाटा डिलीट हो जाता है। तो गलती से भी किसी भी पर्सनल डाटा को अपना डेस्कटॉप पर सेव ना करें और लोकल डिस्क में ना सेव करें, क्योंकि जब विंडो इंस्टॉल की जाती है तो सबसे पहले लोकल डिस्क सी यानी कि ड्राइव को ही फॉर्मेट किया जाता है। तो जब भी आप फाइल अपनी सेव करें तो नेक्स्ट आपको इसमें ड्राइव नज़र आएंगी, इन ड्राइवों को आप इसमें ओपन करके यानी कि सेव कर सकते हैं। तो आपने सीखा कि इन गलतियों से हम किस तरीके से बच सकते हैं। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।